देखो आप इधर से ले लो ना, आप इधर से ले लो ना, उनको भी आने दो, आप इधर से आज से ये नीचे बैठो चलो। आज से सिर्फ दो हफ्ते पहले मैं इसी नजरुल मुक्त मंच कलकत्ता में, मैं भी कलकत्ता में एक कॉलेज का शो करके आया हूँ, लेकिन ये सब बातें बिल्कुल अफवाह है कि वहाँ पे एसी बंद कर दिया गया था या वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम है। मैं सिर्फ 15 दिन पहले वहाँ से आया हूँ, 15 दिन पहले वहीं पे शो किया था, उतनी भीड़ खचाखच भरी हुई थी। लेकिन दुख की बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये ऐसे आर्टिस्ट जिनको पब्लिक छोड़ना नहीं चाहती, तो वो स्टेज में आप देख रहे थे, अगर वो टावेल ले रहे हैं तो वो हर एक को होता है, ये एक जोश होता है और हर आर्टिस्ट चाहता है कि ऑडियंस उसकी पागल हो जाए। तो केके में ऐसी बात मैं थी नहीं बोल सकता, केके के गानों में ऐसी बात है कि हर इंसान, हर उम्र का, हर उम्र के लोग उसके गानों को सुनते हैं। सिर्फ आज से नहीं, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, जब मैंने शुरू किया था मेरे थोड़े दिन बाद ही वो आया। और मैं पूरे मीडिया के सामने आज कहना चाहता हूँ कि मैं इतनी जल्दी किसी का फ़ैन नहीं होता हूँ, किशोर कुमार के बाद शायद मैं किसी का फ़ैन बनाऊँ, लेकिन केके का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हमेशा रहूँगा। मेरे गानों, मेरे घर पर गाने केके का सबसे ज़्यादा चलते हैं। मेरा बेटा कभी कोशिश करता गाने की, तो वो भी केके के ही गाने गाता है। सो ये जो स्पेकुलेशन है, ये जो रूमर है, इसको बिल्कुल हटा दीजिए कि वहाँ पे ऑडिटोरियम में ये नहीं है वो नहीं है। ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा था, लेकिन तबीयत ख़राब थी वो, मुझे लगता है कि वो होटल चले गए उसकी जगह। अगर आजू बाजू, मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा कि अब इस तरह के ऑडिटोरियम में एक मेडिकल वैन और मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़रूर रखनी चाहिए जहाँ पर इतना क्राउड होता है। बस मेरी विनती इतनी है कि शायद वो होटल जाने की जगह अगर हॉस्पिटल चले जाते तो शायद आज हमारे बीच में होते। परिवार से बात कभी के लगता कभी कोई बीमारी कभी थी, थोड़ा बहुत नहीं नहीं, उनके जो डॉक्टर हैं होम्योपैथिक डॉक्टर, मुझे बहुत तकलीफ हुआ था एक बार फ्लाइट में, के मेरे साथ था, हम भी उसी समय कलकत्ता ही जा रहे थे, सेम डे हमारा शो था एक जगह, के ने मुझे उसी टाइम फ्लाइट से अपने डॉक्टर का नंबर दिया, डॉक्टर शेट्टी जो होम्योपैथी का, मैंने उनसे आज सुबह बात किया, बोला केके को कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई वो जितना मीडिया में आ रहा कि लीवर का प्रॉब्लम था, कुछ नहीं था, सिर्फ उसको आजकल थोड़ा सा पेट का गैस या एसिडिटी का प्रॉब्लम था। केके बिल्कुल फिट आदमी है, फिट आदमी था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। स्पेकुलेशन से बोलिए, मैंने कुछ बॉलर नहीं, हमी बांग्ला की बोल को चलो।